एक जंगल में एक बाघ रहा करता था। एक दिन वह आराम करने के लिए इधर उधर घूमकर जगह तलाश रहा था, तभी उसे एक बड़ी सी गुफा दिखाई दी। बाघ ने अंदर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। बाघ को लग तो रहा था कि कोई ना कोई अवश्य ही इस गुफा में रहता है, लेकिन उसे वह गुफा इतनी पसंद आई कि उसका मन उसी में रहने का करने लगा और बाघ गुफा के अंदर चला गया। वह गुफा एक सियार की थी। थोड़ी ही देर में शाम हो गई। सियार दौड़ा दौड़ा अपनी गुफा की ओर आ रहा था। गुफा के बाहर पहुंचकर उसे कुछ अजीब लगा। उसने नीचे देखा तो उसे बाघ के पैरों के निशान दिखाई दिए। सियार बहुत ही होशियार था, वह सतर्क हो गया। वह बाघ का शिकार नहीं बनना चाहता था। गुफा में बाघ है या नहीं यह पता करने के लिए उसने एक चाल चली। वह जोर से चिल्लाया, गुफा कैसी हो? गुफा से कोई आवाज नहीं आई। उसने फिर आवाज लगाई, गुफा, ओ गुफा। गुफा में से फिर भी कोई आवाज नहीं आई। वह फिर से चिल्लाया, गुफा, अगर तुमने रोज की तरह मुझसे बात नहीं की तो मैं यहां से चला जाऊंगा। बाघ ने सियार की आवाज सुनी तो उसे लगा कि शायद यह गुफा बोलती है। बाघ के मन में उसे खाने का लालच था, इसलिए उसने गुफा के बदले जवाब देने का निश्चय किया और उसने दहाड़ मार दी। बाघ की दहाड़ सुनकर चतुर सियार समझ गया और जान बचाकर वहां से भाग गया।